आज के यूथ पार्लियामेंट में मैं मेरा टॉपिक है रिड्यूसिंग पॉवर्टी थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू जनधन योजना एंड मुद्रा योजना। तो मैं सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बताना चाहता हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि हम लोगों को आसानी तरह से हम लोग को फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंश्योरेंस, बैंकिंग, इसके अलावा और जो है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है उनको हम लोगों को मिलना चाहिए, आम लोगों को मिलना। तो इसका शुरुआत 1969 में नेशनलाइज्ड बैंकिंग के तरह स्टार्ट हुआ था। इसके बाद 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के द्वारा भी किया गया था। इसके बाद इसका जो मास्टर स्ट्रोक था वो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जनधन योजना के तहत जो लॉन्च किया है, इसके तहत हम लोगों को ऑलमोस्ट 60% लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी मिला। लोगों को एकदम बिना पैसे से जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया गया। इसका एक रिकॉर्ड भी है, 23 अगस्त 2014 से 29 अगस्त 2014 तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड में एक हफ्ते में बैंक अकाउंट खुलवाया गया इंडिया में। तो इसके तहत हम लोगों को डेबिट कार्ड मिला, एटीएम कार्ड मिला। इस अकाउंट में हम लोगों को फ्री इंश्योरेंस भी मिला, अप टू 30,000 को लाइफ पॉलिसी भी मिला। इसके बाद हम लोगों को जो मुद्रा योजना के तहत हम लोगों को एकदम गरीब आदमी जिसको कुछ बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस करने का सपना है, इन लोगों को 50,000 से 10 लाख तक लोन दिया गया और अभी भी दिया जा रहा है। और इसके तरह थ्री कैटेगरी में लोन दिया जाता है। जो फर्स्ट है वो है 50,000, नेक्स्ट